तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। और इस वक्त रात के 11 बजे का समय है और हम आए हैं आज रेस्क्यू के लिए भगतपुरी एरिया में। और जिनके घर में भी सांप हैं वो यहाँ पर हमें लेने आ रहे हैं, तो देखते हैं अभी हमें कौन सा सांप मिलेगा। वो मेरे टॉर्च कहाँ है? मेरे टॉर्च और मैंने दो बार वो भगाने की कोशिश करके शुरू कर दिया। ये इसके पीछे ये खरीदा ये किया गया। रुको थोड़ा जगह पर दिख गया दिख गया दिख गया बस वहाँ तो वही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो मिला है वो है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, भारतीय नाग। तो चलिए करते हैं कोशिश इसको निकालने की। ये ले लो ठीक है, आराम से देखना उसकी क्लीन हो गया। मैंने दो बार डंडे से इसके ये कोशिश करी, मैं भग जाए तो मैं भगा दूं इसको। अच्छा हाँ, तो ये शू शू करा मैं तो मेरे से मरता नहीं है, हम नाक पूछते हैं इसलिए मार डालता है इसको यहीं, इसलिए अभी मैं भैया को बालक को तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से इस सांप को हमने रेस्क्यू कर लिया। और सांप अमूमन कभी भी आगे रहकर बाइट नहीं करते, जहाँ तक वो इंसानों को देखकर दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो अभी इसको वापस प्रकृति में मुक्त किया जाएगा। एक बार हम आपको पास से भी दिखाएंगे जब इसको रिलीज करेंगे। काफ़ी विषैला है, काफ़ी जहरीला सांप है, लेकिन जब भी आपको सांप दिखें तो इस तरह से नज़र बना के रखें, हमें कॉल करें, हम आएंगे, रेस्क्यू करेंगे और वापस इन्हें प्रकृति में रिलीज़ करेंगे। तो दोस्तों फिर से बता दें आपको कि हम रेस्क्यू के लिए आए थे भगतपुरी क्षेत्र में, और विनोद चौहान जी हैं, इन्होंने कॉल किया था और इन्हीं के घर के अंदर अभी आपने देखा कि किस तरह से सांप बैठा हुआ था। तो चलिए दोस्तों अभी इसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाएगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसको रेस्क्यू करने के लिए। चलिए थैंक यू सो मच, वेलकम। और वो भी इतनी रात को आप वक्त निकाल के आए, कोशिश है, हमारा काम है कि तो दोस्तों हमारा ये काम है कि कोई भी परिवार जो है चैन से सो सके, चाहे रात के कितने भी बजे हों हम पहुंच जाएंगे, बस हमें कॉल करें। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि भगतपुरी क्षेत्र से मैंने सांप को रेस्क्यू किया था, और फिर से एक बार आपको नाम बताते हैं, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग, और काफ़ी विषैला, काफ़ी जहरीला सांप। चलिए इसको रिलीज़ करते हैं।